नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CBSE और ICSE 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया। सरकार ने हलफनामा में कहा कि 10वीं और 11वीं के आधार पर 30-30 फीसदी नंबर मिलेंगे, जबकि 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर 40 फीसदी नंबर मिलेगा। नतीजे की तारीख 31 जुलाई रखी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई राज्यों को नोटिस भी भेजा गया है। वजह है 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर कोई फैसला ना लेना। CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल होने के फैसले के बाद देश के ज्यादातर राज्यों ने स्टेट बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं, लेकिन अभी असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि 18 स्टेट ने एग्जाम कैंसिल कराए हैं, वहीं 6 स्टेट में बोर्ड एग्जाम कराए गए हैं, लेकिन 4 राज्यों ने अभी तक इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों में चिंता है। याचिका में छात्रों ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तो स्टेट बोर्ड उनके साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं। केंद्र के फैसले के बाद करीब 18 राज्यों ने अपनी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं, लेकिन इन 4 राज्यों में अभी भी बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल नहीं की गई है, जबकि वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सबकी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। इस पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।